दोस्तों गाड़ी को यू टर्न लेने का सबसे अच्छा टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत से लोग बताते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं करना है, इतना कुछ भारी वो है नहीं, गाड़ी को ऐसा करके चालू करना है, ऐसे घुमाना है। लो ये हो गया यू टर्न, ठीक है, इतनी इजी ट्रिक रहती है, कोई समस्या नहीं रहती। लेकिन प्रोफेशनल हो गए हो तो फिर ऐसा कर लोगे, और अगर आप भाई अभी अभी सीख रहे हो तो फिर आप कैसा करोगे? पहले तो आप गाड़ी चालू कर लेते हो, दिक्कत क्या होती है कि आप एकदम से गाड़ी को पूरा घुमा लेते हो, फिर और ऐसे करके लास्ट में आप ले दे के गाड़ी को ऐसे करके गिरा लेते हो, मतलब हो जाती है ख़त्म कहानी, है ना। तो भाई गलती यही होती है कि आपकी गाड़ी क्यों गिर जाती है, वो भी वीडियो में बात करेंगे। टर्न लेने का सही तरीका क्या होता है, बहुत ही ईजी टेक्निक है, बहुत ही ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, और 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले तो अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो भाई मेरी ही वीडियो देखो, क्योंकि देखो मैं कुछ और बताऊंगा, दूसरा लोग कुछ और बताएगा, तो ऐसे में तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, है ना। तो अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो भाई मेरी ही वीडियो देखो, और किसी और को फॉलो करते हो तो भाई आप उसकी वीडियो देखो, है ना। 10 लोगों की वीडियो देखोगे दिमाग आपका कंफ्यूज हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो आप ना अपने पैर का सपोर्ट रखो। अच्छा, बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना कि बिना पैर नीचे रखे कैसे गाड़ी घुमाना है। भाई घुमाओगे उसके पहले अगर हाथ पैर नहीं तोड़वाना है तो भाई पैर जमीन पर रख के ही सीखना पड़ेगा। जमीन से जोड़ के जब रहेंगे तभी तो भाई ऊपर तक जाएंगे ना। अब ऊपर का मतलब ऊपर का नहीं है। देखो सबसे पहले आपको पैर नीचे रखना है, गाड़ी को आपको स्टार्ट कर लेना है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो मिस्टेक ये है यार भाई, बाकी यूट्यूबर्स को अभी मैं क्या बोल दूँ, बोलते हैं कि डायरेक्ट पूरा हैंडल ऐसे घुमा लो। भाई पूरा हैंडल ऐसे घुमाओगे ना तो डिसबैलेंस ऑटोमेटिक हो जाओगे, इतना हैंडल घुमाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हमें लॉन्ग कट लेना है, बिल्कुल कॉर्नर शॉर्ट के चक्कर में हम ऐसे घूमेंगे ना तो गिर जाएंगे। तो भाई सबसे पहले आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लो। अब स्टार्ट करने के बाद कोशिश ये करो कि गाड़ी को आप ऐसा करके ऐसा घुमाएं, ऐसा ना घुमाएं, थोड़ा सा हैंडल को अपन ऐसा लेंगे और ऐसा में अपन लंबा कट मारेंगे, शॉर्ट कट नहीं मारेंगे। उससे पहले सबसे पहले मिरर में पीछे देख लो भाई कि कोई आ जा तो नहीं रहा है करके, है ना। पहले तो अपनी रोड देख लो कि रोड क्लियर है करके, उसके बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक में भी ध्यान देना है और एक्सीलेटर ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल हल्का सा लेना कि गाड़ी बस बढ़नी चाहिए, और दोनों पैर आपके नीचे होने चाहिए, पैर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम ले रहे हैं ये वाला टर्न, ठीक है। तो भाई आप चाहो तो एक पैर को ऊपर रख सकते हो, ये वाले पैर को आप ऊपर रख सकते हो और ये वाला पैर आप नीचे रख सकते हो, चाहो तो दोनों रख सकते हो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, पीछे हमने देख लिया कि कोई आ तो नहीं रहा है, उसके बाद हम गाड़ी को ऐसा करके काटेंगे। तो सबसे पहले हैंडल हम थोड़ा सा इस तरफ लेंगे और गाड़ी जैसे रेस आ जाएगी तो फिर धीरे धीरे हम हैंडल को ऐसा करके घुमा के, देखो ये आसानी से बिल्कुल हमारा हल्का हल्का एक्सीलेटर लिए और कट गई। जहाँ अगर ब्रेक की ज़रूरत है तो आप ब्रेक आप पिछला यूज़ करना, अगला ब्रेक यूज़ नहीं करना, ठीक है। फिर से आपको दिखा रहा हूँ, आपको करना क्या है, बस गाड़ी को हम ऐसा हल्का सा मोड़ें, इजी तरीके से हम गाड़ी घुमा लिए हैं। धीरे धीरे जब आपकी ये प्रैक्टिस होगी तो उसके बाद आप पैर ऊपर रख के एक हाथ छोड़ के गाड़ी को ऐसा ऐसा गोल गोल घुमा लोगे। चाहिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, है ना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगे। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप ऐसा घूम रहे हैं तो एकदम से ऐसा करके मत घुमाओ, एकदम से ऐसा करके घुमाओगे ना गिर जाओगे। बस थोड़ा सा उस तरफ लें, ये ऐसा लें और ऐसा करके फिर धीरे धीरे यहाँ पे हमने ब्रेक अप्लाई कर लिया है और हल्का हल्का एक्सीलेटर ले लेके गाड़ी को पूरा घुमा लिया। तो इतना इजी होता है भाई यू टर्न। अब हम एक तेज रफ्तार में भी आपको यू टर्न लेके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो, जब आप धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस कर लेंगे तो अब हम मैं आपको सडन यू टर्न लेना सिखा रहा हूँ, ठीक है। जब आप ये धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेंगे, पहले तो दोस्तों पैर रख के ही यू टर्न लेने का सीखना, उसके बाद ही प्रोफेशनल लेवल में जाना। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तिराहा टाइप की रोड है, सबसे पहले ध्यान रखें कि भाई पीछे कोई है तो नहीं, और पीछे जब आपको कंफर्म हो जाए कि पीछे कोई नहीं है, गाड़ी आप जैसे चलते चलते बस थोड़ा सा ऐसा घुमाओ, उसके बाद पूरी गाड़ी हमारी, देखो बिना पैर ठहके हमने पूरी गाड़ी को यू टर्न काट लिया। लगे तो आपको यहाँ आप गोल गोल घूम भी सकते हो, अगर आप मेरे टाइप फोकट घूम रहे हो तो ऐसा गोल गोल घूम भी लेना, ठीक है। तो भाई इतना इजी होता है, और पैर ठेक के आपको पहले प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगी। ध्यान रखने वाली चीज़ बस यही है कि एकदम से भाई हैंडल को ऐसा मत करो। देखो इतना आप अगर शॉर्ट में लोगे ना तो देखो ये गाड़ी यहीं की यहीं कटेगी, ये वाला जो पैर है आपका राइट वाला, वो पैर भी कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि मैं सपोर्ट दूँ तो कहाँ दूँ। तो इसलिए करना क्या है, गाड़ी को हैंडल बिल्कुल आप पहले परफेक्ट रखो, हल्का सा ऐसा घुमाओ, गाड़ी जब आपकी ऐसी हो जाए तब फिर आप धीरे धीरे गोल गोल करके ऐसा आप पैर ठेक ठेक के
घुमा लें। ये मैंने बहुत शॉर्ट लिया है, आप शॉर्ट मत लें, थोड़ा सा लंबा लें। अब ये हो गया राइट साइड की बात। जब राइट लेफ्ट तरफ का लेना है तो लेफ्ट तरफ भी आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। अपना पैर, ये वाला जो पैर है अपना लेफ्ट वाला है ना, ये आप देख सकते हैं। अब भाई लेफ्ट पैर में थोड़ा सा जोड़ पड़ेगा, आप फिर से गाड़ी ऐसे हल्का सा घुमाएं और लेफ्ट साइड पैर ठेक कर पूरी गाड़ी को धीरे धीरे हल्का हल्का रेस लेके यू टर्न कर लें। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, गाड़ी को ऐसा करने के बाद एकदम से ऐसा रेस ले लेते हैं, तो भाई ऐसे रेस में तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। रेस पे कंट्रोल अगर है तो भाई आप यू टर्न, एल टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, शॉर्ट टर्न, सर्कल, एड बनाना, कुछ भी कर सकते हैं। बस आपको पहले एक्सीलेटर पे कंट्रोल रखना है और ब्रेक पर जहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत है ब्रेक, वहाँ पे बिल्कुल अप्लाई करें।